लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा हम फरीदाबाद से कैचीधाम बाबा नीम करौली आश्रम पहुंच गए थे। कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करने को हमें मिली थी, वीडियो ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बाबा नीम करौली आश्रम के दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो वीडियो पूरी देखना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी अच्छी अच्छी ट्रैवलिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो ट्रैवलर्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। चलिए आपके साथ करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। यह मंदिर, धाम और आश्रम कहाँ पे है? यह है उत्तराखंड के खूबसूरत जगह नैनीताल के एक गांव जिसका नाम है बवाली। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ के वेदर की बात करें तो वेदर यहाँ का बहुत ही बढ़िया है, मस्त होता है। आप अपने साथ एक पोंचो, रेनकोट और जैकेट ज़रूर कैरी कर ले जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, दिल्ली से 320 किलोमीटर की आपको दूरी तय करनी पड़ सकती है। आप बाय रोड भी आ सकते हैं, बाय ट्रेन भी, आप बाय बस भी आ सकते हैं, आप अपने कन्वेंस से भी आ सकते हैं, आप बाय एयर भी आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम भीड़ भाड़ में ना आए तो वीकेंड्स को अवॉइड करें और मंडे टू थर्सडे के बीच में आए तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ वीकेंड्स में, लोकल ने बताया है, वीकेंड्स में आजकल होली के बाद से बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा रश होता है वीकेंड्स में। एंड इनफैक्ट आपको सैटरडे संडे या फिर फ्राइडे सैटरडे संडे आपको पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं। अगर आप लेट जाते हैं कैंची धाम तो आपको वहाँ पे स्टे के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपके पास ऑप्शन कहाँ हैं, क्या हैं, अगर आपको कैंची धाम में नहीं मिलता है तो। अगर आपको कैंची धाम में स्टे नहीं मिलता है तो आप बवाली देख सकते हैं। बवाली एक अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पे आपको अच्छी प्रॉपर्टी भी मिल जाएंगी, आपको लॉज भी मिल जाएंगे, चीपेस्ट भी मिल जाएंगे एंड आपको अच्छा भी मिल जाएगा। एंड आप वहाँ से कैंची धाम से आगे भी जा सकते हैं, आपको वहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप वीकेंड्स में देख रहे हैं कैंची धाम में रूम, तो आपको कम से कम 1000 से 2000 के बीच में रूम मिलने वाले हैं। वो डिपेंड करता है क्राउड के ऊपर, आपको 1000 से 1200 मिल जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा क्राउड होगा तो आपको 1500 भी मिल सकता है, 2000 भी मिल सकता है। बट अगर आप बवाली में जाते हैं, बवाली में आपको रूम्स 1000 से 1200 के बीच में मिल जाएंगे। एंड अगर आप कुछ लॉजेस देखना चाहते हैं तो वो आपको 500 से 600 में मिल जाएंगे। बाकी डिपेंड करता है, आप नेगोशिएशन उनसे कर सकते हैं, वो नेगोशिएशन भी करते हैं, तो आप नेगोशिएशन अच्छे से कर लें और अपने लिए रूम का बंदोबस्त कर लें। अगर आपने बाबा नीम करौली जी के दर्शन कर लिए हैं तो आप वहां से गोलू देवता टेम्पल भी जा सकते हैं, भीमताल लेक भी जा सकते हैं, नैनी लेक भी जा सकते हैं, जागेश्वर धाम भी जा सकते हैं, और भी बहुत सारी जगहें हैं जहां आप जा सकते हैं और घूम सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं बाबा नीम करौली जी के आश्रम और आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या है, कैसे है, क्या टाइमिंग है, क्या आपको करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं बाबा नीम करौली जी के आश्रम। जय हो बाबा नीम करौली जी की जय। सो यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, पता नहीं क्यों, शायद कोई कह रहा है लैंडस्लाइड हुआ है आगे। और कैंची धाम हम पहुँच चुके हैं और यार ये देख रहे हो कि पूरा लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। हाँ, वहाँ पे मंदिर है। सो यहाँ पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी, ध्यान रखें अपना व्हीकल पार्किंग में पार्क करें, अदरवाइज मार्केट में पार्क करने की जगह नहीं मिलेगी। वैसे तो मंदिर आश्रम में भीड़ नहीं होती, बट आप वीकेंड्स में आ रहे हैं तो आपको भीड़ का सामना करना पड़ सकता है, बट दर्शन आराम से हो जाते हैं भीड़ होने के बाद भी। और दर्शन करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये लाइन चलती रहती है और दर्शन होते रहते हैं। अगर आप अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप वीकेंड्स को अवॉइड करें और वीकडेज में आएं, जिससे कि आप आराम से दर्शन कर पाएं और आराम से बैठ भी वहां पे पाएं। वैसे तो यह मंदिर सातों दिन ओपन रहता है और यहां की जो टाइमिंग है वो गर्मियों में सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक ओपन रहता है, और ठंड में यह मंदिर सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है। जब आप मंदिर प्रमिसिस के अंदर जा रहे होंगे तो आप जूते चप्पल या तो अपनी गाड़ी में रख लें, अगर आप गाड़ी से नहीं आए हैं तो पास में ही
जो प्रसाद की शॉप है, आप वहाँ पे भी उनसे रिक्वेस्ट करके रख सकते हैं, या फिर आपको मंदिर प्रमिसिस के बाहर ओपन में जूते चप्पल रखने की जगह भी है, वहाँ पे भी आप रख सकते हैं। मंदिर में अंदर जाने से पहले आप हैंड वॉश भी कर सकते हैं, सो वहाँ पे हैंड वॉश करने के लिए नल भी लगा रखा है। सो ये पूरा क्राउड हो रखा है, आज सैटरडे है, सैटरडे में देखो कितना ज़्यादा क्राउड हो रखा है, एंड सामने क्लाउड्स। ये मुख्य द्वार है कैंची धाम, बाबा नीम करौली जी के आश्रम का, जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है श्री कैंची धाम परम पूज्य बाबा श्री नीम करौली महाराज। कहा जाता है और माना जाता है कि बाबा नीम करौली जी में साक्षात हनुमान जी वास करते हैं, और उनकी ताकतों से भी पता चलता है कि हाँ सचमुच उनमें हनुमान जी वास करते हैं। आपने बहुत सारी कहानियाँ YouTube चैनल्स पे देखी होंगी और सुनी भी होंगी। अगर आप यहाँ पे सच्चे दिल से आते हैं तो बाबा जी आपकी मनोकामना ज़रूर सुनते हैं और आपको सारी दुख बीमारी से दूर करते हैं, जिसका उदाहरण फाउंडर ऑफ फेसबुक और एप्पल के फाउंडर भी हैं। आप यहाँ पे आके श्री राम सीता जी के, हनुमान जी के, भोलेनाथ जी के और बाबा नीम करौली जी के दर्शन कर सकते हैं। बाबा नीम करौली जी की मूर्ति एक चादर से ओढ़ी रहती है, क्योंकि बाबा नीम करौली जी हमेशा चादर ओढ़े रहते थे, और बहुत से भक्त अपनी चादर लेके आते हैं और चढ़ावा करते हैं, और बहुत सारे लोग चादर लेके आते हैं, भोग लगाने के बाद चादर वापस घर भी ले जाते हैं। टेंपल प्रमिसिस के अंदर फोटोग्राफी और फ़ोन कॉल्स लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो कृपया करके वहाँ पे फोटोग्राफी और फ़ोन कॉल्स ना लें। बाबा नीम करौली जी के आश्रम में बैठ के आप आराम से हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। जब आप आश्रम को पूरा घूम लेते हैं, उसके बाद आपको जाते टाइम प्रसाद दिया जाता है और एक आशीर्वाद दिया जाता है कि आपकी मनोकामना पूरी हो। आश्रम के ही साथ में एक छोटी सी नदी भी है। तो यह थी बाबा नीम करौली जी के आश्रम के बारे में सारी जानकारी। अगर कोई भी जानकारी मेरे से मिस हो गई हो, या फिर आपको कुछ और भी पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मेरी आईडी पहाड़ी अरविंद 1 और आपको स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। क्योंकि हम बाबा नीम करौली जी और कैंची धाम 4 बजे पहुँचे थे, तो हमें कैंची धाम में कोई भी रूम अवेलेबल नहीं मिला। तो अगर आप भी आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप 9 या 10 बजे मॉर्निंग पहुंच जाएं और सबसे पहले कैंची धाम में रूम का बंदोबस्त कर लें। जब हमें रूम नहीं मिला तो हमने डिसाइड किया कि हम आगे ना जाके हम पीछे बवाली की मेन मार्केट में रूम ढूंढते हैं। सो हमें वहाँ पे ढूंढने के बाद, वैसे तो वहाँ पे रूम 1000 से 1200 रुपए के मिल रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था, पर हमें एक लॉज 600 रुपए का मिल गया। कैंची धाम में यार बिल्कुल भी स्टे नहीं मिला, एंड वहाँ का ना कुछ एसेस में बहुत ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाया क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड है। एक्चुअली आज सैटरडे है, तो होली के बाद वीकेंड था उसमें इतना ज़्यादा क्राउड हो गया, तो रूम के जो मतलब चार्जेस भी है ना, कोई भी आपको रूम 1000 से नीचे नहीं मिलेगा। सो फाइनली हमने ये वाला रूम ढूंढा, एक हमें 600 रुपए का मिला। मैं आपको बाहर से दिखा दूंगा, एंड रिक्वेस्ट करके हम शायद गीजर का गर्म पानी का भी कर देंगे, बट रूम ही अवेलेबल नहीं है यार। लोग तो मतलब 1000-1500 भी हम देने को तैयार थे, बट रूम ही अवेलेबल नहीं है यहाँ पे कैंची धाम में, तो बिल्कुल भी नहीं। जिससे ही पूछो, नो रूम अवेलेबल। जब प्रसाद ही खत्म हो रहा था तो यार रूम्स के लिए। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं वीकेंड्स में आने का, तो यार देख लीजिएगा, देख के आइएगा, एंड जो भी हो प्लान कुछ हो सके तो घर से प्लान बना के आइएगा कि कहाँ पे आपको स्टे करना है। एंड मैं रुका हूँ बवाली में, तो यहाँ पे भी अच्छी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी, एंड मतलब चीप प्राइस भी मिल जाएगा, एंड अच्छे होटल्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे भी एक ऑप्शन रख सकते हैं स्टे करने का, एंड यहाँ से काफ़ी लोकेशन है, आप कैंची धाम भी जा सकते हैं, यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर है। आप गोलू देवता मंदिर भी जा सकते हैं और भीमताल भी जा सकते हैं, नैनी लेक भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है, एक ये सेंटर पॉइंट है, तो आपके
10 किलोमीटर के दायरे में आप सारा कुछ कवर कर सकते हैं। एंड मतलब फाइनली यार हमें मिल गया, एंड मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, एंड फिर उसके बाद हम मार्केट भी जाएंगे कुछ खरीदने के लिए। तो चलो मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कैसी है। सो यहाँ पे ये छोटे छोटे देखो रूम है काफ़ी सारे, एंड हियर इज द की बड़ी मस्त है रूम तो देख लो आप। एंड ये है एक चीज़ की यहाँ पे जस्ट एकदम मार्केट के ही पास में है। सो ये देखो ये है बालकनी का व्यू सामने से, ये है मार्केट, ये पूरी मार्केट है। सो अभी चलते हैं मार्केट में भी देखेंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या है, एंड हम भी सो मार्केट में भी देखेंगे बताएंगे आपको क्या क्या है। पेट पूजा भी हम भी रूम में बैग्स वगैरह रखने के बाद हम निकले बवाली की मेन मार्केट में कुछ खाने के लिए, और साथ ही साथ हम मार्केट को घूमने के लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ घूमिए और आपको जानकारियाँ देते हैं। बवाली की मार्केट काफ़ी बड़ी है और आपको वहाँ पे खाने पीने के लिए एक से एक अच्छी दुकानें मिल जाएंगी। अगर आप खाना भी खाना चाहते हैं तो वहाँ पे अच्छे अच्छे आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, और कुछ आपको ढाबा भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप खा सकते हैं। आप आराम से, अगर नॉर्मल हम खाने की बात करें तो नॉर्मल खाना आप 2 पर्सन 300-350 रुपये में पेट भर के खा लेंगे। खाना खाने के बाद हमने लोकल मार्केट को घूमा, एक्सप्लोर करा, कुछ नाइट व्यू का मज़ा लिया और हम वापस अपने स्टे की तरफ चल दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना एंड शेयर जरूर करना। जो भी बाबा जी के भक्त आ रहे हैं कैंची धाम तो उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। गुड नाइट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ट्रैवलिंग करते रहिए।